क्रांति की शुरुआत जो है वो कुछ नीलतांर नहीं होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

बल्ब चालू चलना चाहिए कि जैसे ही मैं पूरी फेरा बोलता हूं दिमाग में बल्ब ऑन होना चाहिए कि जो है जो है वो वॉटर कैनाल सिस्टम इज प्रजेंट के ऑस्टिया होते हैं ऑस्कुलम होता है को, जो है वो इसमें जो है वो कॉल, कॉलर सेल्स पाए जाते हैं ये सारी बातें दिमाग के अंदर घूमना चाहिए ठीक है और वो जो एनसीआर के तीन जो इमेज दे रखे ना कि यूसपोजिया क्या है कि वो सब जो है वो भी दिमाग के अंदर रहना चाहिए एकदम जैसे ही मैं बोलता हूं सिलेंटेटा जट से दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा जेलीफिशेस में आती है पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर के बारे में सर ने बतलाया था निमेटोसिस्ट के बारे में सर ने बतलाया था है ना, के बारे में बतलाया था, क्या उसके बारे में कहा था जट दिमाग में जब मैं बोलता हूं तो दिमाग की बत्ती होना कि मतलब चमकते हैं दिवाली की लाइट के समान बायोलिमिनेशन होता है इनके अंदर कोलोब्लास्ट होती है इनके अंदर कॉम्प्लेक्स पाई जाती है आ रही बात समझ में मतलब जब जब मैं जिस फाइलम का नाम लेता हूं उस फाइलम की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आपके दिमाग के अंदर झट से रि, रिकॉल होना चाहिए और ये मैं हर बार इसलिए करता हूं ताकि रिकॉल होता रहे और आप याद रखें उसको समझ गए बेटा ठीक है इट्स ऑल साइंटिफिक ये मत सोचा कीजिए कि सर टाइम पास करने के लिए ऐसी बताए हैं ऐसा नहीं करता मैं के मैं आ, मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को इतना कर क्यों क्यों, क्यों मेरे बच्चों को फिजिक्स पढ़ना है मेरे कमांडर्स को केमिस्ट्री पढ़ना है उनको ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है

वाशिंगटन डीसी में हम लोग थे मेरा पूरा फैमिली हम सब लोग ये लोग भी आए हुए थे वाशिंगटन डीसी में तो हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने जो है वो वाशिंगटन में प्लान बनाया कि चलो भाई एक काम करते हैं थोड़ा सा अच्छा सा मौसम था यानी जो ठंड ठंडी हवाएं चल रही थी हल्का हल्का जो है बूंदा बांदी हल्की सी फुहार हल्का सा पानी गिरता वो हो रहा था तो हमने कहा चलो चलते हैं तो किसी ने बताया कि यहाँ पे डी डक है डीसी डक करके एक व्हीकल चलता है उसमें जाओ आप मजा आएगा आपको डीसी डक वाशिंगटन डीसी के उन्होंने रखा, और वो एक प्रकार से बदक के है। अच्छा जैसे ही उन्होंने बोला एमफीवियन व्हीकल है झट से मेरा दिमाग जो, जो, जो की बत्ती ऑन हो गई कि अच्छा एम्फीवियन व्हीकल है मतलब जमीन पर भी चलता होगा पानी में भी चलता होगा और बड़ा मजा आया है रियली मतलब इतने सारे गाड़ियों में बैठा मैं जो मजा उसमें में ना, के बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ये वो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है के, फिर उसके बाद जैसे पानी आया एक जगह पे वो उतर गया पानी के अंदर हमने कहा डूब जाएगा ये तो पर वो नहीं डूबा अरे सुनो ना कार कोई पानी में उतार दे नदी के अंदर तो कैसा लगेगा फोटो नहीं जैसे ही वो अंदर गया झट से वो जो है वो उसके सिस्टम ऑन हो गया उसका और वो बोट बन गया और बाकायदा उसने हमको नदी में घुमाया दिखाया उसने कि ये, ये 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 और फिर से रोड पे आ गए फिर से उसके व्हीकल का व्हील काम करने लगे अमेजिंग कहानी क्यों सुनाई कहानी इसलिए सुनाई हमने कि भैया ये पता होना चाहिए कि एम्फीबियन जो है ऐसे एनिमल है एम्फीबियन जो है वो ऐसे जंतु ऐसे एनिमल है जो कि वाटर में भी रह सकते हैं जो और उसके अलावा जो है वो टेरिस्टल लैंड पर भी रह सकते हैं मतलब दोनों तरीके से ये अपने आप को अडॉप्ट जैसे ही वाटर में जाते हैं वाटर के समान बिहेव करने लगते हैं और इसकी इसीलिए इनके पास सारा अरेंजमेंट इस तरह का होगा इनके पास सारा इस तरह का होगा कि वो और दोनों लाइफ में अपने-अपने को सके रह लेकिन मजे की बात ये है कि अपॉन वॉटर फॉर रिप्रोडक्शन क्योंकि इनके अंडे जो होते हैं ना ये इनके अंडे जो होते हैं उनमें बाहर जेली के समान कवर होता है तो नमी वाले स्थानों में ही रह सकते हैं वो यदि वो ड्राई एनवायरमेंट में रहेंगे तो अंडे सूख जाएंगे डेस्टिकेशन हो जाएगा सूख जाएंगे खराब हो जाएंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और इनके जो लार्वा होते हैं वो पानी के अंदर ग्रो करते हैं टेडपोल जो होते हैं तो इसका मतलब इनको रहना तो पड़ता है वाटर के आसपास ही ठीक है देखिए और आप इसीलिए इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको उष्ण कटिबंधी वर्षा वनों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेन फॉरेस्ट बोला मैंने मतलब जहां जमकर पानी गिरता है पानी इकट्ठा भी जमीन पर रहता होगा तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको बड़ी संख्या में एम्फीवियन देखने मिलेंगे जो आपको दूसरे फॉरेस्ट में देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पर ही सर्वाइव नहीं कर सकते हार्डली इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड एनी एम्फीविया इन दी डेजर्ट मरुस्थल में रेमफीविया देख पाना बड़ा मुश्किल है ठीक है

ये क्या है अगेन अगेन इट इज एन एम्फीबिया इसको रेप्टाइल मत समझ लेना ये बेटा एम्फीबिया है और दिखता ये जरूर है कि रेप्टाइल से लिजार्ड से कंफ्यूज करता है बट इट इज इट इज एम्फीबिया ठीक है फिर ये देख रहे हैं हम एम्फीबिया के साथ में क्या मजबूरी है और पहली बार इस पूरी धरती पर पहली बार इस पूरी धरती पर राज करने वाले कोई एनिमल थे ना वो तो थे रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स सबसे सक्सेसफुल एनिमल बने देखो से कंपेयर मत करना वो तो है ही सक्सेसफुल के रेप्टाइल जो है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले धरती पर फैले हो क्योंकि उनके पास में कैपेबिलिटी थी कि वे सब तरह के एनवायरमेंट को टॉलरेट कर सकते उनके अंडों के ऊपर जो है वो एक था, एक एग शेल था, जो सबसे बड़ा फीचर था के हम कहते होना के एक का मतलब होता है बेटा, कि एक एक शेल का होना, था। लेकिन एम्फीबिया में क्या होता है एक, एक देख रहे हैं जो पानी के अंदर किसी झाड़ी के ऊपर दे रखे उसने तो आप देख रहे हैं उसके ऊपर देख रहे कि आपको जेली समान दिखाई पड़ रहे हैं तो मतलब ये यदिमेंट में रहेंगे तो सूख जाएंगे और जो है वो एम्फीविया का जीवन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ठीक है

पहली बार ये पहले वर्टिब्रेट हैं जो पानी से निकलकर जमीन पर आए थे एम्फीबियंस आर दी फर्स्ट वर्टिब्रेट जो जमीन पर निकलकर जो है वो फर्स्ट वर्टिब्रेट जो जमीन पर निकलकर आए थे सेंस से ठीक है ना

देखो बेटा है ना मैं आप हमेशा आपको बतला देता हूं पहले कि ये इवोल्यूशन चैप्टर है ये 12th क्लास एनसीईआरटी में इवोल्यूशन चैप्टर है उसका ये प्रश्न है बेटा तो आपको दिमाग में रखना है इसको ठीक है ना भले ही एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं पर तो चैप्टर के बीच में इंटरकनेक्शन है पता हमको ना चाहिए तो एमपिबियंस फर्स्ट ऐपर्ड अबाउट 370 मिलियन इयर्स अगो दे प्रोबब्ली इवॉल्वड from lobed fin fish अब याद है आपको हमने पिछली क्लास में बात किया था हमने कहा था ऐसी मछलियां थी कुछ जो पांजो जिनके अंदर जो एयर ब्लैडर में कुछ एयर हुआ करती थी थोड़े समय तक पानी से बाहर निकलकर रह पाती थी और फिर उसके बाद जैसी ही एयर कम होने लगता था वापस पानी में चली जाया करती थी ओट के याद है आपको मैंने कहा था लोब्ड फिन फिश में फिन जो थे उनमें वो थोड़े फ्लैशी फिन थे जो बाद में लेग में डेवलप हुए वो ठीक है ये इवोल्यूशन एक ऐसा नहीं है कि अचानक से एम्फीबिया कहीं से प्रकट हो गया कि स्टोरी तो मजा आ जाएगा पढ़ के इतनी अच्छी कहानी है इतनी अच्छी स्टोरी है कहानी नहीं बोलेंगे सच है धरती का पुराने जमाने का चलिए दैट कम ऑन द लैंड टू क्रॉल फ्रॉम पोन टू अब देखिए आप ध्यान से देखिए लॉब्ड फिन फिश दिखाई पड़ रही है जिसमें फिन है जिसमें जो थोड़े से मासल है लॉब्ड के और वही जाकर आगे जाकर अर्ली एम में डेवलप हुई के तो फीवियन का विकास किससे हुआ बेटा वो वो हुआ है लोब्ड फिन फिशेस से हुआ है ठीक है क्लियर देन हमारा जो जो आ, इक्थियो स्टेजा जो है वो बिल्कुल एक प्री हिस्टोरिक एम्फीवियन है और उससे दो दिशाओं में विकास हुआ एक तो फ्रॉग बने दूसरे बने तो बनेथियो देखो बेटा ये जो नाम बता रहा हूं ना ये नाम इसलिए याद रखना कि इस चैप्टर का संबंध इस जो जो बता रहा हूं आपको मैं इसका संबंध इवोल्यूशन के साथ भी है इसलिए वो जो है वो कुछ हिस्सा ओवरलैप करता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ठीक है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं मजा लो पढ़ने का पढ़ने का मजा लेना है बेटा तो तो अपने आप से एग्जाम निकलता है ठीक है दिस एनिमल्स एंड देर एक्स हैव नो प्रोटेक्टिव कोट टू चेक इवोपरेटिव वॉटर लॉस के देखिए अब इनकी स्किन भी क्या होती है इनकी स्किन भी जो है वो मोस्ट या नम स्किन होती है ड्राई इन्वायरमेंट में रहेंगे तो सूख जाएगी सांस नहीं ले पाएंगे इसके, उसकी भी समस्या है तो बड़ी इसके। ठीक है इसीलिए ये अब इनकी जो एग होते हैं और ये एनिमल होते हैं इनके आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है जो इनके वाटर के लॉस को कम कर सके देयरफॉर फोर दे इनिविट डैम प्लेसेज एंड ब्रीड इन वाटर इसलिए ये छायादार नमी वाले स्थानों में रहते हैं और पानी के अंदर जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं उठ के और इसका इनका ड्यूल मोड ऑफ लाइफ इनके नाम से स्पष्ट है ठीक है तकरीबन सेवन थाउजेंड ज्ञात एम्फीवी ये आंकड़े आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा जो मैं बता रहा हूं बस वो याद रखिए ठीक है ना एम्फीबिया में क्या क्या शामिल है एम्फीबिया में शामिल होते हैं फ्रॉग शामिल होते हैं टोड शामिल होते हैं न्यूट शामिल होते हैं और सिसिलियन शामिल होते हैं तो याद रखा एम्फीबिया में सेलामेंडर फ्रॉग्स टोड न्यूट्स और सिसिलियन शामिल होते हैं क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे ठीक है अब मैंने कहा आपसे नंबर ऑफ एम्फीबियन फीवन जो अप्रोक्सीमेटली हमें ज्ञात वो सेवन थाउजेंड के आसपास है उसमें से नाइनटी परसेंट फ्रॉग है क्या बेटा नाइनटी परसेंट तक फ्रॉग है सबसे अधिक जो जो एमपीविया प्रेजेंट है, है वो है नाइनटी परसेंट तक है फ्रॉग्स हैं ठीक है फ्रॉग में क्या होता है आप देखिए

इसमें देखिए आपको फ्रॉग में आपको अलग से नेक जो है वो नहीं दिखाई पड़ रही इसमें अलग से नेक हमको नहीं दिखाई पड़ रही इसमें ठीक है ना क्लियर देखिए ना इनकी जो टंग है देखो बेटा फर्क है फर्क है फिशेस पढ़ रहे थे जब हम जब मछलियों को मैंने पढ़ाया था मैंने कहा था कि उसमें नॉन प्रोट्यूसिबल नॉन प्रोट्यूसिबल टंग होती है याद है ना जीव को बाहर नहीं निकाल सकती मछलियां लेकिन एम में टंग जो है वो नॉन प्रोट्यूसिबल नहीं होती प्रोटूसिबल टंग होती इसमें तो आप देख रहे हैं इनकी टंग को देख रहे हैं आप पर ठीक है इनमें लंग्स का विकास होता है जो एम्फीबिया है उसमें रेस्पायरेशन के लिए कई तरीके दे रखे हैं उसमें लंग्स भी प्रेजेंट है उसमें वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं अपने मुंह की स्किन बक्को लाइनिंग के थ्रू भी वो रेस्पायरेशन कर सकते हैं okay. तो मतलब जो स्किन के थ्रू होता है उसे कुटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं वो एम्फीबियन कर सकते हैं लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन कर सकते हैं और अपने मुंह से भी वो रेस्पायरेशन कर सकते हैं ठीक है बॉडी की बात करें इसमें हम बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक शरीर को दो हिस्से मारते हैं हेड और ट्रंक में बांटते हैं टेल में भी प्रेजेंट इन सम के हर एम्फीबिया में टेल हो जैसे फ्रॉग में टेल नहीं होता है याद रखिएगा फ्रॉग के टेडपोल में फ्रॉग के टेडपोल में टेल होती है टेडपोल टेडपोल के अंदर टेल होती है लेकिन एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं होती है लेकिन एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं होती टेल इसमें नहीं होती है इसमें टेल होती है, है। टेडपोल के पास टेल होती है पर एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं होती है ड्यूरिंग मेटामोरफोसिस टेल जो है वो खत्म हो जाती है लेकिन कुछ एम में हमको टेल देखने मिल सकती है हेड साफ साफ दिखाई पड़ता है हमें ट्रंक एक इलोंगेटेड स्ट्र होता है नेक में और मे नॉट बी प्रे मोस्ट ऑफ दी एम्फीबिया में नेक नहीं होती है क्योंकि 90% एम्फीबिया फ्रॉग होते हैं और फ्रॉग के अंदर नेक नहीं होती है के अंदर के नेक नहीं होती है limb, limb, है ठीक हैव टू जो लिम्स होते हैं उनमें आपको जो ऐसी जो है वो चार से पांच आपको उंगलियां देखने मिल सकती है डिजिट देखने मिल सकते हैं डिजिट मतलब उंगलियों की बात करें पेंटा डेक्टाइल लिम बोल सकते हैं इसको हम पांच होंगे तो डिजिट्स आर विदाउट क्लॉ और डिजिट जो होती है उसमें क्लॉ और नेल उसमें नाखून नहीं होते हैं और पंजा नहीं होता याद है याद रखे के, एम्फीवी पहचानने का तरीका है कि जो होता है उसकी डिजिट्स में नाखून और पंजे आपको देखने नहीं मिलेंगे वो जनरली उसमें वेब्ड होंगी वेब्ड का मतलब ऐसे एक उंगली ये है दूसरी उंगली ये है तीसरी उंगली, उंगली इसके बीच में स्किन का पतला सा फोल्ड स्किन का पतला सा फोल्ड हमको देखने मिलेगा ऐसा इसे वेब्ड बोलेंगे इसे हम ठीक है ना

है ना बेटा और उसमें पिछले पैर अगले पेयर की तुलना में बड़े होते हैं लेकिन सेलामेंडर में और न्यूट में ये छिपकली के समान दिखाई पड़ते हैं इनमें पैरों का साइज बराबर होता है ठीक है ना देखिए ये इसके हिंडलिम है।, है और ये इसके क्या है इसके जो है वो फोर लिम है ठीक है

Toxic होती है उसमें जो है वो आपको आपको देखने मिल सकती है आपको। ठीक है है ठीक ना मिलती है इसमें फिर रिचली स्किन रेस्परेशन में रोल प्ले करती है कुटेनियस रेस्परेशन होता है तो शोषण होगा तो मतलब गैसेस एक्सचेंज करना पड़ेगा तो वहां ब्लड सप्लाई को मेंटेन करना पड़ेगा ठीक है एक्सो स्क्टल एबसेंट के में बाहरी कंकाल नहीं होता है

इसमें आपको कुछ उभार दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ क्रोमेटो फोर सेल दिखाई पड़ रही है कलर अलग अलग कलर की दिखाई पड़ रही है ठीक है ना ठीक है ये देखो आप आंखों में हमको आईज में हमको ये आईलेट हमको ये दिखाई पड़ रही है ना क्लियर अब इसका यदि हम जो है वो एंडोस्केलेटल देखे कंकाल देखें

रेप्टाइल्स को देखना ये पूरा सिर घुमा देना आप सोचिए ना मैं खड़े खड़े अपना पूरा सिर पीछे घुमा दूं तो आप मुझे भूत समझ लेंगे और भाग जाएंगे लेक्चर छोड़ के अरे ये तो जो जो जिनको अब तक हम गीतन सर समझते थे वो तो भूत निकले भाई वो तो भूत है वो तो इंसान ही नहीं है कैसे मालूम चला भाई पूरा सिर पीछे घुमा दिया था उन्होंने है ना यही सोचोगे ना तुम तो एक्चुअली मैं भूत नहीं हूं मैं इंसान ही हूं मैं इतना ही घुमा पाता हूँ सिर क्योंकि मेरा मेरा जो जो, जो इस जो स्कल मेरा जो है स्कल है वो जिस हमारे वर्टिवरी के ऊपर रखा है वो वर्टिवरी के दो सिरे हेट के डाई कॉन्डाइली खेट के यानी दो सिरों पर जुड़ा हुआ है के दो के सिरों पर इसलिए वो एक लेवल के ऊपर वो सिर घूम नहीं पाता जैसे एक घूमता है तो दूसरा वाला उसको रोक देता है इधर घूमेगा तो इधर वाला उसको रोक देगा लेकिन यदि मेरा ये स्कल एक सिंगल कॉन्डाइल के ऊपर रखा होता तो वो एक सॉकेट सम हो गया इधर से इधर किधर भी घूम जाता वो डाइलिक स्कल बोलते हैं आरिशन में देखो बेटा सिंपल सी बात है कि जो ये जो वर्टिवरी, जो वर्टिवरी है उस वर्टिवरी में मैंने कहा एक कोंडाइल कोंडाइल दूसरा कौंडायल, इसके ऊपर स्कल स्कल ऐसा इसकल जो है वो रखा हुआ है ठीक है तो एक रेंज ऑफ मोशन एक केवल रेंज एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन को मैं एंजॉय कर पाता हूं उसके ऊपर पूरा सिर जो है वो पूरा सिर में नहीं घुमा पाता बैठ के नहीं घुमा सकता ठीक है थीके? लेकिन यदि यहां पर ऐसा होता है ऐसा होता है और इसके ऊपर स्कल रखा होता है तो पूरा हर दिशा में मूवमेंट पॉसिबल था पूरा ऐसा सिर घूम जाता हो है ना बेटा ठीक है चलिए आप बोलेंगे क्यों बता रहे हो चलो हम क्यों बता रहे हैं ये भी बता देते हैं आपको हम एंडोस्केटल जो एम्फीबिया का होता है मोस्टली बोनी होता है कुछ कार्टिलेज भी देखने मिलते हैं पर मोस्टली बोन होती है स्कल फ्लैट होता है स्कल फ्लैट होता है चपटा होता है फ्लैट होता है डाइकॉन्डलिक होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी में

बेहतर प्रकार का वर्टिवअल कॉलम देखने मिलता है फर्स्ट वर्टिवरी को हम एटलस वर्टिवरी कहते हैं ठीक है जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान एटलस ने हम कहते हैं ग्रीक मैथोलॉजी है कि भगवान एटलस ने जो है पूरी धरती को अपने हाथ में रखा है संभाल के रखा हुआ है ठीके? हम कहते हैं वैसी हमारी जो पहली वर्टिवरी है जिसने पूरा स्कल संभाल रखा उसका नाम है एटलस वो देखने मिलता है ठीक है और ये स्पेशलाइज होती है जिसके कारण हेड को कुछ मूवमेंट मिलता है ठीक है और एक अकेली हमको सिंगल सैक्रल वर्टिब्री हमको एक देखने इसमें मिलता है ठीक है देखिए ये आप देख रहे हैं इसका वर्टिबल कॉलम देख रहे हैं इसका आप वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हैं आप इसका ये इसका आप जो है वो हेड देख रहे हैं इसका है आप इस है, ठीक है ना और ये देख रहे हैं आप इसमें ये फर्स्ट वर्टिबल यहां पर है है पर की वो प्रेजेंट ठीक ना ठीक देखिए आप है ना अब ध्यान से देखिए इस इमेज को मैं थोड़ा सा जो है वो उसको मैं वो मार्किंग करता हूं उसकी में अलग कलर से है ना ताकि समझने में सेलामेंटर में देखिए आप ना? है ना देखिए ये ऑक्सीपिटल कोंडाइल है ना बेटा Hello. Sorry to disturb you in between the lecture. But it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye, continue your lecture. कोंडाइल कोंडाइल ये देखे, ये, देखे, ये है ठीके ना इसके ऊपर स्कल प्रेजेंट रहेगा ठीक है, सकल, है ना ठीक है देखो है ये स्कल हमको देखने मिलता है ठीक है फिर आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं बड़ा माउथ होता है लार्ज माउथ होता है और इनमें जनरली अपर जॉमेट होते हैं

वोटेड मस्कुलर प्रोटूसिबल टंग के मैंने कहा सॉफ्ट और म्यूकस के ऊपर होता है और ये मस्कुलर प्रोटूसिबल टंग होती जीप को ये बाहर निकाल सकते हैं सेपरेट लिवर और पेंक्रास देखने मिलता है एलिमेंट्री किनाल जो होती है वो एनस के रूप में बाहर नहीं खुलती है ये क्लोएकल चेंबर में खुलती है और फिर वो क्लोएका के नाम से वो बाहर खुलता है क्लोएकल चेंबर क्लोएका से बाहर खुलता है क्लोएका के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया होता कि याद रखना क्लोएका क्या होता है कॉमन ओपनिंग होती है कॉमन जगह होती है जो जगह क्लोएकल चेंबर एक कॉमन जगह होती है जहां पर एलिमेंट्री किनाल खुलता है जहां पर यूरिरी सिस्टम खुलता है जहां पर पर जो है वो एक्सक्रीट सिस्टम मतलब यूरिनरी एक्सक्रीट सिस्टम खुलता है यहां पर जो है जेनाइटो जेनेटल सिस्टम भी ओपन करता है फिर वहां से एक

देखिए आप देख रहे हैं इसमें बेटा देखो आप ना ये इसमें हम देखें यहाँ पे तो हमको लीवर दिखाई पड़ रहा है हमें ठीक है स्टमक दिखाई पड़ रहा है ये देखो इशो है ठीक है जो माउथ से कनेक्टेड हो बक्कल कबेटी से कनेक्टेड होगा इंटेस्टाइन है रेक्टम है आप देखिए इसमें ये बाहर क्लोइका ये बाहर दिस इज दी क्लोइकल एपरेचर जो बाहर क्यों खुलता है और क्लोइका में क्या क्या ओपनिंग खुलता है यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग खुलता है इसमें के इसमें जो है वो इंटेस्टाइन का ओपनिंग भी वह खुलता है रेक्टम भी वह खुलता है यूरेटर भी वहां खुलता है बेटा ठीक है ना

जो है एम्फीबिया में नमी युक्त तो स्किन पाई जाती है मोस्ट स्किन पाई जाती है ठीक है मुंह के अंदर लाइनिंग होती है जो गैसेस एक्सचेंज कर सकती हैं, और इनमें लंग्स भी होते हैं इनके जो लंग्स होते हैं दी प्रेशर लंग्स ये प्रेशर लंग होते हैं इंटरेस्टिंग बात ये है जैसे हमारे लंग्स हैं हमारे लंग्स क्या करते हैं कि हमारी हमारे लंग्स क्या करते हैं अपने वॉल्यूम को चेंज करते हैं और उस वॉल्यूम को चेंज करने पर लंग्स के अंदर के प्रेशर में परिवर्तन आता है तो हवा अपने आप बनाते हैं हमारे लंग्स हमारे जो लंग्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के लंग्स हैं वो वैक्यूम सिस्टम के समान काम करते हैं जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब बात करेंगे प्रेशर को कम करते हैं तो बाहर से हवा अंदर आती है प्रेशर को बढ़ाते हैं अंदर की हवा बाहर निकल जाती है ये लंग्स काम करते हैं लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं होता फ्रॉग में मुंह में हवा भरता है फिर ताकत लगाता है और फिर हवा को लंग्स के अंदर डालता है तो फ्रॉग के लंग्स प्रेशर से भराते हैं प्रेशर लंग होते हैं ठीक है ठीके? रेस्परेट सिस्टम में रेस्पिरेशन बाय गिल्स लंग्स एंड थ्रू स्किन ये गिल्स के थ्रू होता है

हम वोकल कार्ड्स और वोकल सेक हमको देखने मिलते हैं देखिए नॉस्ट्रिल है ग्लॉटिस है लंग्स है ठीक है ये हमको उसके फ्रॉक के लंग्स दिखाई पड़ रहे हैं ठीक है है ना सुनते जाओ कहानी क्योंकि कोई फ्रॉक तो हम सबने देखा हुआ है ना बेटा ठीक है जानने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम देखिए आप इसमें क्या है कि जो इसमें वोकल सैक है एयर जब ये आप जब जब ये प्रेशर से हवा को अपने अंदर लेता है तो ये वोकल सैक के अंदर भी हवा भरा जाती है फिर जब ये एयर रिलीज करती है तो एक साउंड क्रिएट होता है और यही मेंढक के टर्राने है तो मेंढक मुंह से बोलता नहीं ये इसी वोकल सेक के कारण वो आवाज हमको सुनाई पड़ती है ठीक है सर्कुलेट सिस्टम की बात करें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है दोनों ऑरिकल का ब्लड आपस और, में आता है, जो कि है ऑक्सीजनलेस होता है तो, कम होता है उसमें तो यहां पर जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है ना तो मिक्स ब्लड पंप होता है याद रखना की फ्रॉक के अंदर एम्फीबिया के अंदर मिक्स ब्लड जो है वो पंप होता है दो ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है

पोर्टल पोर्टल सिस्टम सिस्टम और हमको देखने मिलते हैं याद रखना ह्यूमन विंग्स में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता है केवल हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है देखिए फिश का हार्ट देखिए दो चैंबर का होता है फिश का हार्ट जो है हंड्रेड परसेंट वीनस ब्लड को पंप करता है ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में गया एक ऑरिकल होता है वो ब्लड को बॉडी से रिसीव करता है और उस ब्लड को वो वेंटिकल भेजता है वेंटिकल ब्लड को पंप करके गिल्स को भेजता है तो कुल मिलाकर बात ये कि जो है वो हम क्या देखते हैं हम देखते हैं कि जो जो ब्लड है वो पूरा का पूरा ब्लड जो है वो डीऑक्सीटेड ब्लड इम्प्योर ब्लड जो है वो पंप करता है फिश का हार्ट ठीक है जबकि एम्फीबिया में क्या होता है कि एक ऑरिकल बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है एक जो है वो लंग से ब्लड को रिसीव करता है ठीक है और ऐसा मिक्स ब्लड जो है वो वेंट्रिकल आगे बॉडी में पंप करता है नर्वस सिस्टम की बात करें टेन पेयर क्रिनल नर्व के देखने मिलते हैं तो आ, अभी किसी ने पूछा डॉग फिश कहा आपने शार्क पता है ना मैं कॉटिल की बात कर रहा हूं छोड़ो अभी एम्पीबिया पुराना कुछ याद करते हैं रिकॉर्ड करके मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं शार्क की बात कर रहा हूं अरे भाई शार्क की सूंघने की क्षमता जबरदस्त होती है शार्क की सूंगने की क्षमता जबरदस्त होती है कुत्ते के समान डॉग के समान वाई कॉल्ड उसे हम डॉग फिश भी कहते हैं ठीक है अब आईज इनकी होती है, देखने मिलता है हमको ऑल्फेक्ट्रीफेक्ट के लिए डॉसौ दोनल बाहरी कान देखने नहीं मिलते टिम्पेनम देखने मिलते हैं मतलब ये टिम्पेनम मिडिल एयर को कवर कवर करते हैं दे कैन दे कैन लिसन साउंड साउंड को महसूस कर सकते हैं कि ये साउंड के वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं लेट्रल लाइन सेंस ऑर्गन जो है पानी में रहने वाले जीवों में देखने मिलता है जो जो वास्तव में वाटर करंट जल धाराओं को, को पहचानने में हेल्प करता है वाटर के प्रवाह को पहचानने में हेल्प करता है जो पानी में रहेगा उसके अंदर होगा तो इसके जो लार्वा होते हैं उनमें लेट्रल लाइन सेंस ऑर्गन को देखने मिलता है ठीक है क्लियर देखिए ये आपको टिम्पेनियम देखने मतलब यहां से ईयर बनना शुरू हो चुका है

पॉइकुलथर्मिक एनिमल होते हैं मतलब अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं बाहर ठंडी पड़ेगी तो इनका शरीर ठंडा होने लगेगा बाहर गर्मी पड़ेगी इनका शरीर गर्म होने लगेगा मतलब ये एक्टोथर्मिक एनिमल होते हैं बाहर के तापमान से प्रभावित होने वाले एनिमल होते हैं ये ऐसे एनिमल होते हैं जो एक्टोथर्मिक होते हैं ऐसे एनिमल होते हैं जिनको पॉइकुलोथर्मिक बोलते हैं या कोल्ड ब्लड वाले एनिमल कहते हैं हमके और जब ठंडी पड़ती खूब ठंडी पड़ती है तो अपने जीवन को बचाने के लिए हाइबरनेट आते हैं ये हाइबरनेशन शो करते हैं जब खूब गर्मी पड़ती है तो जीवन को बचाने के लिए तब भी छिप जाते हैं एस्टिवेशन के हम बोलते हैं समर स्लीप के गर्मी में जो सो जाते हैं ये समर स्लिप एस्टिवेशन है और जो विंटर स्लिप है ठंड में सो जाते हैं ये वो क्या है वो हाइबर के बरसात के समय मेंढक दिखाई पड़ते हैं आपको बाकी उसके बाद गायब चले जाते हैं हम कितना बरसाती मेंढक बरसात हुआ मेंढक बाहर निकल आया क्योंकि अब उसके लिए बेहतर कंडीशन बन चुकी है रिप्रोड्यूस करने के लिए भी सस्ते लेकिन गर्मी पड़ी नहीं दिखाई पड़ेगा फ्रॉग आपको ठंडी पड़ी नहीं दिखाई पड़ेगा आपको रिप्रोडक्शन की बात करें एनिमल होते हैं मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हुआ सेपरेट मेल एंड फीमेल के मेल एंड फीमेल अलग अलग होगा

आप फीमेल फ्रॉक देख रहे हैं उसमें आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा ये, है।, ये, है, ये दिखाई रहा है हमको उसमें ठीक है और कहा फाइनली ओपनिंग कहा हुआ इसका ओपनिंग इसका होता है क्लोरिक के अंदर ये ओपन किया फाइनली क्लोईका में ओपन किया ठीक है ना जबकि यहां पे क्या देख रहे हैं टेस्टिकल्स दिखाई पड़ रहे हैं

फिर टेडपोल प्लांट से जाकर अटैच कराते हैं फिर उनमें जो है वो एक्सटर्नल ग्रिस्ट डेवलप होते हैं उनमें फिर अपना साइज बढ़ाने लगते हैं वो उसके बाद सबसे पहले पिछले पैर हिंड लिम बनते लेग लिम बनता है उसके बाद जो है वो आ, ये धीमे धीमे जो है ये डेवलप होते हैं फिर फ्रंट लेग का विकास होता है फाइनली टेल जो है इसकी गायब हो जाती है और एक यंग फ्रॉग बनता है जो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है फिर एडल्ट फ्रॉग फिर से जो है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है ये इसका फ्रॉक का लाइफ से एक तरीके से ठीक है

एक्सो ऑस्मोस होता है बॉडी से वाटर बाहर निकलता है क्योंकि समुद्र के अंदर का पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला होता है और उसमें ये मर जाते हैं इंपॉर्टेंट बात है मतलब मेराइन फॉर्म हमको समुद्री रूप हमको एम्फीबियन का देखने नहीं मिलता है ठीक है ये देखिए आप लेटी मेरिया देख रहे हैं लोब्ड फिन फिश को देख रहे हैं और ये इसने इसके जो लोब्ड फिन थे ना यही लेग्स के रूप में लिम्स के रूप में आगे डेवलप हुए ठीक है कई एम ऐसे होते हैं जो पेरेंटल केयर शो करते हैं अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं उनके जो है वो उनको, उनको उनके लाइफ को जो है वो बचाए रखने की कोशिश करते हैं जिसे एलिटीस, के एलिटीजी को मेल मिडवाइफ टोड कहते हैं इंपॉर्टेंट है बेटा बड़ा कॉमन जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है इसलिए एनसीआरटी में ना होने के बावजूद आपसे पूछ सकते हैं ठीक तो मेल मिडवाइफ टोड कहता है ये अपने एक को अपनी थाई के ऊपर रखता है ठीक है मेल मिडवाइफ टोड अपने जो है वो अपने इसमें मेल जो होता है वो अपने थाई के ऊपर एक को रखता है पाइप टोड होता है अपनी पीठ के ऊपर को रखता है, 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 है है? ठीक ठीक देखिए, ये ये अपने लेग्स के ऊपर टोड इसके इसके एक इसके, ताकि जो है वो ये कर सके कि उन अंडो से बच्चे निकल पाए, फिर कारण क्या है अधिक एडवांस क्यों होते हैं क्योंकि जमीन पर मूवमेंट करने के लिए पेंटा डेक्टाइल लिम का विकास हुआ पांच डिजिट वाली लिम्स जो है लिम्स वन आईलिट्स होती हैं इनमें टीयर होती हैं जो आंख को बचाए रखती है जमीन पर के जमीन पर यदि रहना है तो अपनी आंखों को कवर भी करना पड़ेगा आंखों में जो कचरा है उसको साफ करने की व्यवस्था होना चाहिए तो हमारे जो आंसू होते हैं ना वो रोकर बहाने के लिए नहीं होते हमारे जो आंसू होते हैं ना वो रोकर बहाने के लिए नहीं होते हैं वो आंख को साफ करने के लिए होते हैं इसलिए कभी डिप्रेस होते हो दुखी होते हैं ना तो रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि रोकर हम इस सिस्टम का मिस यूज कर रहे होते हैं हमेशा याद रखिए जिंदगी में कि कभी कोई दुखी समय होता है बुरा समय होता है डिप्रेसिंग टाइम पीरियड होता है तो उस समय हमको अपने निर्णय को और मजबूती से उसको जो है वो इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता होती है क्योंकि बुरे समय समय जो एडवर्स टाइम है बुरा टाइम समय है या आपका स्ट्रगलिंग टाइम है वो आपके रोने से पास नहीं हो सकता है वो आपके रोने से बदलेगा नहीं आपके संघर्ष करने से आपके प्रतिबद्ध होने से आपके अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमाइंड होने से ही बदल सकता है और इसका मतलब ये है कि ऊर्जा को होकर दुखी होकर बर्बाद नहीं करना है उसको अपने दृढ़ निश्चय की दिशा में उसको फ्यूल के रूप में लगाना है वही तो फ्यूल है आपकी एनर्जी वही तो फ्यूल है चलिए मोटिवेशन सेशन से बाहर निकल के आते हैं फिर से बात करते हैं यहां पे तो मैंने क्या कहा मैंने आपसे कहा कि इनमें जो है वो आई लिट्स होती है टीयरलिट्स होती हैं है के। फिर मिडिल एयर डेवलपमेंट टू ट्रांजिट एरियल साउंड वेब टू दी इन मैंने कहा ना ये साउंड को महसूस कर सकते हैं जमीन के ऊपर रहना है तो आपको आसपास की शिकारी की आवाज भी सुननी पड़ सकती है तो ये एरियल साउंड को महसूस कर सकते हैं मिडिल एयर का विकास करके इनमें अपने भोजन को लेने के लिए वास्तविक टंग बनती है अपने जीव के थ्रू ये फूड को ले सकते हैं इंटरनल नेयर्स और लंग्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए और हार्ट में दो ऑरिकल हमको

ठीक है, देखिए ऑर्डर एपोडा की बात करें हम तो जो कि जिम्नोफियोना जो भी कहलाता है इसमें लिंबलेस ब्लाइंड वर्म के समान एमफा देखने मिलते हैं, ब्लाइंड वर्म बोलते हैं, हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लाइंड वर्म इज नॉट ए वर्म इज इज नॉट इट एन एम्फीबिया एक worm नहीं है एक एम्फीबिया होता है जिसे एपुड, जो एपोडा ऑर्डर में आता है और इसका एग्जाम्पल है इक्टिफिस इक्टिफिस दे रखा है बेटा इक्टिफिस आपके एनसीआर में एग्जाम्पल में दे रखा है इसमें टंग नहीं होती है ऐसा एम्फीबिया इसमें टंग नहीं होती, है, तंग नहीं होती है, वो है इक्टिओफिस है ठीक है फिर यूरोडला की बात करें हम तो इसमें सेलामेंडर और, द, और न्यूट आते हैं जो लिजार्ड के समान छिपकली के समान दिखाई पड़ते हैं इनमें टिम्पेनम नहीं होता है ठीक है और इनमें पूछ होती है इसलिए इनको यूरोडला बोला कॉडिटा तो बोला अटके फिर एम्बाइस्टोमा टाइगर सेलामेंडर कहलाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका एग्जाम में एक बार जो है वो सीबीसी पीएमटी में ऑल इंडिया में आया हुआ एम्बा एस्टोमा टाइगर है इसके लार्वा नियोटिनी को शो करते हैं पीडोजेनेसिस को शो करते हैं मतलब लार्वा इसका जो होता है वो लार्वा अवस्था में एडल्ट के फीचर डेवलप कर लेता है और रिप्रोडक्शन करने लगता है कि

मोस्ट स्किन होगी इसके लिम्स में आपको जो है क्लॉ पंजे आपको नाखून देखने नहीं मिलेंगे जबकि में आपको देखने मिलेंगे इसके बॉडी में स्केल्स नहीं होंगे जबकि लिजार्ट की बॉडी में स्केल्स हमको देखने मिलेंगे ठीक है ना फिर ऑर्डर साइलेंसिया या एनरा इसमें फ्रॉग आते हैं टोड आते हैं ये टेललेस टेल नहीं होती इसमें एडल्ट में गिल्स नहीं होते हैं

फ्रॉक की बॉडी पे मस्से या बाट नहीं होते हैं जबकि टोड की बॉडी पर आपको उभरे हुए मस्से देखने मिलते हैं फ्रॉग हैज ईयर ईयर बट नो पिन्ना फ्रॉग में कान होते हैं लेकिन एक्सटर्नल जैसे ईयर पिन्ना एक्सटर्नल ईयर वैसा नहीं होता है फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है जबकि इसका लार्वा टेडपोल एम्यूनोटेलिक होता है टोड के अंदर पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है और ये पॉइजन ग्लैंड होती है मोडिफाइड प्रोटीन ग्लैंड होती है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ चुका है ठीक है ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हो ना बेटा ये एग्जाम के ही पॉइंट होते हैं ये एग्जाम के एमसीक्यू के ही पॉइंट होते हैं मैं एक जगह पर आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको याद रहे तो टोड के अंदर जो पॉइजन ग्लैंड होती है वो मोडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होती है ठीक है हॉर्न टोड इज नॉट एन एम्फीव इट के हॉर्न के ऐसा टोड जिस जो टोड के समान दिखाई पड़ता है उसे हॉर्न टोड कहते तब बात करेंगे इस जो होता है, पेड़ों पर रहने वाला पेड़ों पर रहने वाला फ्रॉग होता है, है लिप्स ऑन ट्री, ट्री जो लिप्स ऑन ट्री जो वृक्षों पर पाया जाता है उसे हम अर्बोरियल बोलते हैं ठीक है फिर कुछ एग्जाम्पल या नेक्टरस कॉमन नेम इसका मर्ड पप्पी होता है साइरन को हम मड ईल बोलते हैं ट्राइटोन न्यूट होते है, ठीक है एम फी ईल होता है राणा टिगरीना इंडियन बुलफ्रॉग होता है एलाइटस मिडवाइफ टोड होता है ठीक है बूफो मेलनोस्टिक्टस इंडियन टोड होता है फ्लाइंग होता है, जब जंप करता है जब करता तो उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है तो ये बेटा एक बार लिख लीजिए, लीजिए। कर मुझे मालूम है कि जीरो नहीं बोला मैंने इसलिए क्योंकि ये तो इसलिए हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए पता होना चाहिए ठीक है आ गए एनसीईआरटी पर ठीक है दिल को बड़ा संतोष मिला

ये तो पता होना चाहिए ना ठीक है सेक्सेस आर सेपरेट मेल और फीमेल अलग होते हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है याद रखना है इस बात को आप, ठीक है ना? ये ओवी होते हैं और इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है टेडपोल लार्वा बनता है ठीक है एग्जाम्पल है राना फ्रॉक याद रखना है फ्रॉग याद रखना है tree frog, याद बेटा है ना ठीक है ये एनसीआर के एग्जाम्पल्स हो गए ये? क्लियर ठीक है दो इमेज दे देखे एनसीआरटी में एक देखा उन्होंने दे दे राना कॉमन इंडियन फ्रॉक देखा उन्होंने कॉमन फ्रॉक देखा बस यहीं तक बात करेंगे हम एमपी व्याम के तो देखो एनसीईआरटी के सारे पॉइंट जब हम पढ़ रहे थे ना तो हमने सारे पॉइंट कवर किए समझते हुए बिट के और बिल्कुल दिमाग में आप अभी आपने पढ़ाना क्लास में ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में तो एनसीईआरटी के सारे पॉइंट आपके दिमाग में ऑलरेडी है कोई पॉइंट सिंगल पॉइंट नहीं भूले बेटा आप ठीक है ना सारे आपके अंदर सब चला गया बस ये क्लास के दौरान पढ़ लिया हमने यही हमारा लर्निंग है इसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चंस क्वेश्चन हम है ना बेटा चलिए तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल दी ऑफिशियल कमांडो डब्ल्यू डब्ल्यू मेंटर्स जॉइन अस एट ऑनलाइन Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentor's online app. From Google Play Store.